Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है अभिषेक और मेरे साथ है कांक्षा. आप देख रहे हैं appetite for travel. And अब हम आ गए हैं after covering Bhopal and Jaipur, we are here at Sanchi. Sanchi famous for its Sanchi Stupa. So let's go and explore what's there in Sanchi Stupa because बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में सुनते आ रहे हैं. So actually हम बहुत curious थे देखने के लिए. So all the way from Bhopal हम specially सिर्फ Sanchi Stupa देखने के लिए Sanchi आए हैं. अभी स्टेशन पे हैं. कैसा एक सेकंड ट्रेन आ रही है. A few moments later. यहाँ से almost 1.5 kilometers की distance पे Sanchi Stupa है. तो चलिए चलते हैं वहाँ पे देखते हैं कैसा है. किसी सीट का लेना? Sanchi Stupa. ये सही था. बिना इसके नहीं चलता काम. एंट्री गेट तक आ गए और अगर सामने देखो तो ये सामने है चैत्य विहार. यहाँ से ऑटो से हम उतरे हैं और मेरे इस साइड है यहाँ का ये एंट्री गेट, इससे हम अंदर एंट्री करेंगे. यहाँ Sanchi Stupa आए हैं और एक अमेजिंग बात बताता हूँ, मेरे को जस्ट पीछे यहाँ पर पीयूष मिश्रा जी खड़े हुए हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर संजू में भी आपने देखा होगा. So, चलो कवर कर लो. या उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की. एक्सक्यूज मी सर. ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है. मिस्टर पीयूष मिश्रा, आप लोगों ने देखा होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर लेटेस्ट संजू में आपने कुंडली बनाई थी. थैंक यू सो मच. हमें लग रहा था Sanchi Stupa कोई आता ही नहीं है, बट एक्चुअली बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं. बंद होने का समय था, जिद कर रही बोल रही थी कि नहीं मैं वहाँ जाऊंगी. हम बोले नहीं जाएंगे मैडम. बोले कि टाइम होगा. तो दिया मिर्जा पहचान लिए थे? दिया मिर्जा पहचान लिए थे? नहीं पहचाना ही तो थे नहीं, इसीलिए तो लगाई हुई थी क्योंकि बाद में पता चला होगा. चलो अब जो देख रहे हैं वो तो देख ले. पीयूष देख के हम लोग बाहर ही खुश हो लिए हैं, अंदर तक पहुंचे भी नहीं है. चलो चलते अंदर. अब चलो स्टार्ट करते हैं, अपन अंदर चलते हैं. So finally we are here at the greatest Sanchi Stupa. बचपन से ही historical monuments के लिए इसका नाम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. So finally हमने decide किया कि visit करते हैं. So ये जो Sanchi Stupa है, इसका जो structure है, ये एक hemispherical dome के form में है. And इसके nucleus में Buddha के relics रखे हैं. That is why it is so special and religious also. And this is the gate you can see. It's called the Eastern Gate. और इसी तरीके की इस hemispherical structure के चारों तरफ, इनफैक्ट जो चार डायरेक्शन को फॉलो करता है, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, चार गेट बने हुए हैं. उन्हीं चारों गेट को नाम से नॉमिनेट करते हैं, ईस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट, साउथ गेट. तो एक एक करके चारों गेट के पास आपको मिलेगी. और हम अभी पूरा सर्कल एक चक्कर करने वाले हैं, देखते हैं कहाँ तक है. ओह ग्रेट. सो गाइस वी आर अप्रोचिंग टू द ईस्टर्न गेट एंड आप ये देख सकते हो एक और यहाँ पे एक टिपिकल टाइप का आर्किटेक्चर है कि हर एक गेट के सामने एक मूर्ति बनी हुई है. सो हम आ गए हैं ईस्टर्न गेट पे एंड ईस्टर्न गेट के सामने भी एक मूर्ति है. बट वन वियर्ड थिंग जो मुझे लग रही है, हर मूर्ति का फेस नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. सो इस कॉरिडोर के अंदर आप देख सकते हो स्टेयर्स बनी हुई है जो स्तूपा के कुछ हाइट तक शायद जाती है. तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर. लेट्स एक्सप्लोर. चलो बाकी का और कंटिन्यू करते हैं. जस्ट हम लोग अभी अभी स्तूपा के ऊपर पूरी एक चक्कर लगा के आ रहे हैं. बहुत ऑसम व्यू था. एक्चुअली स्तूपा काफी हाइट पे सिचुएटेड है तो यहाँ से दूर के थोड़े पहाड़ और ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है. सो या दिस इज Sanchi Stupa. थोड़ा बहुत अभी और जो बचा है हम एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं.
ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, यू विल बी शॉक्ड. एक्चुअली इस गेट पे बौद्ध भगवान का पूरा जो लाइफ था वो डिस्क्राइब्ड है, दैट टू इन स्टेप्स. तो अगर आप सबसे टॉप वाले आर्क को देखोगे ना, वो टॉप वाले आर्क में यहाँ का बौद्ध वृक्ष है. सेकेंड वाले आर्क में बौद्ध भगवान जब घर को त्याग करके यात्रा पे जा रहे थे उसका डिस्क्रिप्शन है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है एक बार निरंजन नदी थी, निरंजन नदी में बाढ़ आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी उस बाढ़ में बौद्ध भगवान चल के गए थे. तो ये एक्चुअली वो उसका डिस्क्रिप्शन करता है. यहाँ पे एक समारोह हो रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध भगवान को सुन रहे हैं. सो गाइज, आई मस्ट टेल यू, दिखने में सिंपल है बट बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है बुद्ध भगवान के लाइफ का. काइंड ऑफ रियली यूनिक. आई एम रियली शॉक्ड क्योंकि बुक्स में बहुत पढ़ा था गुप्ता पीरियड के बारे में एंड दिस टेम्पल बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड. तो गाइस पहले आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने व्यू क्या है, फिर आगे बात को कंटिन्यू करते हैं. पहले आप सामने जाके देखो क्या है. आपको पसंद आया होगा. Whenever you are somewhere around Bhopal, do visit this place. Beauty भी है, peace भी है. Definitely you should come to this place. Not only a monument, it's a great place to hang out. जिस जगह हम इस समय बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत fresh air आ रही है, एकदम face को लग रही है, and बहुत peaceful लग रहा है. आराम से बैठ के गपशप कर सकते हो. You can like spend alone time as well. And this place is just 50 kilometers away from the main city Bhopal. And बहुत frequent connectivity है. Take a train, take a bus, come to Sanchi, visit Sanchi Stupa. हम इस व्यू को और enjoy करते हैं. आप जाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं आपसे एक नई सिटी में, नई जगह पे और कुछ नए प्लेसेस के साथ. Stay tuned, keep watching Appetite for Travel. And those who are new to the channel, please subscribe and press the bell button for the latest notifications. और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक भी कर दो यार. थैंक यू. थैंक यू. देखिए कैसा है.